हेलो दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। वैक्सीनेटर और सहायक भाइयों के लिए एक न्यूज़ लेकर के आया हूं। दोस्तों, फरवरी में 2022 की फरवरी में इलेक्शन होने वाला है उत्तर प्रदेश का, और अभी चल रहा है अक्टूबर। ठीक है, 2 महीने ये और 1 महीना वो, यानी कि हमारे पास 3 महीने हैं। और 3 महीने जो 3 महीने में से लगभग 2.5 से 3 महीने पहले जो है आचार संहिता लग जाती है। ठीक है, 2.5-3 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है इलेक्शन के टाइम पे, फिर प्रचार प्रसार कर नहीं सकते। तो अब जो प्लानिंग है, काम इस तरह से करना है कि मैंने एक बंदा ढूंढ लिया है जो डायरेक्टली वैक्सीनेटर को अखिलेश यादव से मिलवाएगा, अखिलेश यादव जी से बातचीत कराएगा, और अखिलेश यादव जी उनको आश्वासन जो भी देंगे, जो भी बातचीत होगी उनकी भी सामने आ जाएगी। तो अब ये है, ज़िया मलिक नाम है इस बंदे का, सोशल वर्कर है ये। सीधा जितने भी वैक्सीनेटर सहायक भाई हैं हमारे, उनको उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मिलवाएंगे। और जहां तक उम्मीद है, इनके अनुसार ये अखिलेश यादव जी इन्हें पूरा आश्वासन देंगे और लिखित में आश्वासन देंगे, अपने मैनिफेस्टो के अंदर वैक्सीनेटर और सहायक भाइयों को रख कर के बोलेंगे, बताएंगे मीडिया के सामने कि अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो वैक्सीनेटर और सहायक का जो मानदेय है वो फिक्स कर दिया जाएगा। कितना किया जाएगा ये वही बताएंगे, लेकिन न्यूनतम मानदेय हमारा 18,000 रुपये होना चाहिए, कम से कम 18 से 20 हज़ार, जिसको पा करके वैक्सीनेटर और सहायक भाई अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। ठीक है, पालन पोषण उनका हो पाएगा। इस सब की जिम्मेदारी ज़िया मलिक नाम के इस शख्स ने ली है। और वो शख्स, मैं आपको बताता चलूँ, उस शख्स का जो कनेक्शन है उत्तर प्रदेश सरकार के पास, सरकार से बहुत पुराना है, समाजवादी सरकार से। तो मैंने इनसे बात की थी, अपना जो हमारी प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं इनके समक्ष रखी थी, इन्होंने अपना आगे बात की। जो मेन सुप्रीमो हैं हमारे समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव जी तक ये बात पहुंचा दी गई है कि उत्तर प्रदेश वैक्सीनेटर और सहायक आपसे मिलना चाहते हैं इस मसले पे, ये उनकी परेशानी है। मौजूदा सरकार जो है उनको कोई भाव नहीं दे रही है, उनकी बात मान नहीं रही है। कोरोना काल जैसी महामारी में भी, कोरोना के समय में सभी वैक्सीनेटर और सहायक भाइयों ने डोर टू डोर जा कर के जो है काम किया था, वैक्सीनेशन किया था। अब फिर से FMD आने वाला है, सारी परेशानियाँ उनको बताई गई हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं वैक्सीनेटर और सहायक से मिलूँगा और मुझसे जितनी हो सकेगी हेल्प करूँगा, और अगर उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की, तो वैक्सीनेटर और सहायक भाइयों का जो है मानदेय शुरुआत की कुछ दिनों में उनको जैसे शिक्षा मित्र रखे गए थे उस तरह से रखा जाएगा, लेकिन मानदेय फिर भी महीना टू महीना दिया जाएगा, और अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनको परमानेंट, मतलब गवर्नमेंट कर दूंगा, जो गवर्नमेंट कर्मचारियों को जो भी सेवाएं मिलती हैं वो दे दी जाएंगी। तो दोस्तों, मुझे उनके ऊपर जो है विश्वास इसलिए है क्योंकि वो शख्स ऐसा है जिसने इतनी बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया था। ठीक है, वैक्सीनेटर और सहायक से भी ज़्यादा बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र थे, उनको परमानेंट कर दिया था। तो अब जो है वैक्सीनेटर और सहायकों को भी ये ही बंदा एक ऐसा है जो परमानेंट कर सकता है या मासिक मानदेय तय कर सकता है। तो आप लोगों की क्या राय है, बिना आप लोगों की राय से तो कुछ हो नहीं सकता। देखो, एक या दो बंदे मिलकर के अगर कोई फैसला ले लें तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आप लोगों की राय है, क्या राय है, कमेंट में अपनी राय बताओ, क्या करना चाहिए, क्या किस तरह से इसका निस्तारण निकलना चाहिए। हमें अखिलेश यादव जी के पास जाना चाहिए, लेके जाने का काम मेरा है, मतलब मैंने बात कर ली है पूरी सपा सुप्रीमो के पास, अपनी समकक्ष उनके बात रखना है। लिखित आश्वासन चाहिए, मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए कि कोई भी बोल दे। तो लिखित में कुछ ऐसा पक्का काम करा के लाएंगे कि जिससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, और उसके बाद हम फिर अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे। हम उनको उत्तर प्रदेश में सरकार में लाएंगे और वो हमें अपनी सरकार में कर्मचारी में लाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताओ, क्या करना चाहिए मुझे। मैं आप सब लोगों से बातचीत करके ही कुछ आगे कदम बढ़ाऊँगा। तो जो मेरा भाई पहली बार चैनल पर आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक पहुंचाता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना, उससे ये होता है कि जब भी वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा, आपको पता लग जाएगा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।